हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक लैंड्स। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेल्सपन इंडिया शेयर की। तो इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि ये शेयर अब कहां पर आके रुक सकता है। हालांकि अभी यहां पर कंसोलिडेशन फेज पर है, आपको यहां पर क्लियरली दिख भी रहा होगा, ये कंसोलिडेशन फेज है। क्लियर, इसका क्लियर है। और यहाँ पर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखेंगे जो कि मैं आपको फर्दर डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे अगर आप ऊपर के लेवल पर फंस रखे हैं तो आप कहां पर और एवरेज डाउन कर सकते हैं शेयर को, क्योंकि ये शेयर काफ़ी तेजी से नीचे आया है और अपने रीसेंट हाई से अप्रॉक्स 60% के डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। क्लियर है। तो पहली बात ये देखते हैं कि शेयर गिरा क्यों। अगर यहां पर आप एग्जैक्ट एनालिसिस देखेंगे तो एग्जैक्टली एक तो आपका यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का टूटना हुआ। जब से ये ट्रेंड लाइन टूटी है उसके बाद से ही ये शेयर का डाउनफॉल आया। और हालांकि ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस ही इसका मेजर कारण है गिरने का। आप देखिए मार्केट की कंडीशंस भी काफ़ी इंप्रूव नहीं थी, या आप कह लीजिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, जिसकी वजह से इसने 50% तक का लो मार के आया था। क्लियर है। हालांकि अब यहाँ पर थोड़ा संभला है, मैंने भी एक आध वीडियो बनाया था, तो आप लोग की रिक्वेस्ट पर मैं एक और लेटेस्ट वीडियो बना देता हूँ। और आपको अगर और कोई शेयर के ऊपर चाहिए है तो आप मुझको नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा कि सर आप मेरे को ये शेयर के ऊपर बता दीजिए, तो मैं पूरी प्रयास करूँगा कि आपको उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूँ। सो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मैंने एक 1 वीक का चार्ट खोल रखा है। क्लियर है। 1 वीक के चार्ट पे आपको यहाँ पर क्या नज़र आता है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्या आप देख पा रहे हैं इसको, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम तक यहाँ पर ट्रेड करता रहा था। क्लियर है। एक बॉक्स में ही ट्रेड करा है और जब उसने तोड़ा इसको, थोड़ा सा पुल बैक लिया और हल्का सा अच्छा ही मूव दिखा करके अब ट्रेंड की जर्नी दिखा दिया। ये स्टॉक क्लियर अब ट्रेंड में था और फिर यहाँ पर ये फंस चुका था एग्जैक्ट इस लेवल पर और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, हालांकि इसको तोड़ दिया और फिर से एग्जैक्ट आप देखिए मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है। एग्जैक्ट यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर बॉक्स पर ही ट्रेड करता रहे, या तो नीचे को तोड़ दे और या तो अगर अच्छा हुआ तो ऊपर को तोड़ देगा। ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो आप इन दो पॉसिबिलिटीज़ पे खेल सकते हैं। ठीक है। सो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी आए। तो आपको क्या नज़र आता है, तो आपको नज़र आएगा इसमें कि एक एग्जैक्ट ये चैनल का एक पैटर्न बन रहा है। एग्जैक्टली यही ट्रेंड लाइन यहीं पर फॉलो हो रहा है और ऊपर से भी अगर देखा जाए तो ऊपर की भी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी ही खास नज़र आती है। एग्जैक्ट यही ट्रेंड लाइन है। क्लियर है। तो ये ट्रेंड लाइन पर ही चल रहा है, मगर आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने खरीद लिया ऊपर बेच दिया। हालांकि ये आपका बियर ट्रैप भी हो सकता है एक तरह से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे ही ये नीचे आया, थोड़ा आप पुल बैक लिया, थोड़ा और नीचे गया और ये आपको कौन सा पैटर्न नज़र आता है, आप उसको कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, मैं इसका जवाब थोड़ी देर में देता हूँ अभी। ये आपको बियर पैटर्न भी तो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आपको बियर पैटर्न भी दिख सकता है और यहाँ पर आप ट्रैप भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ चैनल पर ट्रेड कर रहा तो आप ले लें। हालांकि आप लोग ने शायद गेस कर लिया होगा कि कौन सा पैटर्न है ये जो पैटर्न हैगा, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको। ये एक आपका पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके यहाँ पर नीचे का डाउन मूव जब देगा ना, तो आपका यही जितना भी ये परसेंटेज गिरा था, पोल होता है जो, यही पोल के बराबर नीचे गिर सकता है। क्लियर है। तो आपको सतर्क रह के भी चलना है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है तो आपने ले लिया, और घबराने की तो कोई बात है नहीं। काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि आप बेटिंग स्टॉक है ये, और ऐसा बात नहीं है कि भाई ऐसा कंपनी अपनी बेकार है या बहुत बेकार ही है या इसके आपका जो कह लीजिए फंडामेंटल्स इसके बहुत अच्छे नहीं है। ओके फंडामेंटल्स हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इसको ले भी सकते हैं। सो अब ये सब बात तो हो गई है, अब हम आपको चर्चा की बात बताते हैं कि आपको लेना कहाँ चाहिए। मेरी जो सलाह रहेगी वो सलाह ये रहेगी कि आपको अगर आपको लेना है ना ये शेयर, तो एग्जैक्टली जो चैनल का ब्रेकडाउन हो जाए या तो आप शॉर्ट कर दीजिए, और अगर ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ पर ही लॉन्ग करिएगा। मेरी सलाह यही रहेगी, जैसे ही ब्रेकआउट आए, मान लीजिए आप ब्रेकआउट की कैंडल्स में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ,
मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड कर रहा है थोड़ा बहुत ऊपर करके और यहाँ पर आया और एग्जैक्टली यहाँ पर एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बना दी। ये ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल है, पूरी टोटल ग्रीन है, मारा बुजु कैंडल बनाई है, यही पर लो है और ये आपका हाई है, यहीं पर क्लोजिंग दे दी, तो आपको जस्ट आपको यहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी है। बहुत ही सिंपल है, एकदम बेसिक प्राइस एक्शन है। आई होप आपको मैक्सिमम में से पता होगा ये चीज़। और जो कैंडल का थोड़ा सा लो होगा उसके हल्का सा गैप दे करके नीचे 1 से 2 रुपए का गैप दे दीजिएगा, वही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन पर ये ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कितने शेयर किस प्राइस पर है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको अगर आपको और एवरेजिंग करनी चाहिए भी नहीं करना चाहिए, कि आप कहीं ओवर साइज या ओवर पोजिशन तो नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, आपको मैंने शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। और अभी एक चीज़ बच रही है जो मैं बताना चाहता हूँ, आपके जो टारगेट्स निकल के आएंगे, क्लियर है? टारगेट्स तो अभी मैंने आपको बताया नहीं, जो आपके टारगेट निकल के आते हैं, जो पहले टारगेट है आपका वो ये है। पहला टारगेट आप मान के चलिए 95 से 100 का एक जोन होगा, वो पहला टारगेट होगा, अभी मैं लिख भी दूंगा, आप घबराइए मैं। और जो दूसरा टारगेट होगा वो एग्जैक्टली यहाँ पर होगा, थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो एक रेजिस्टेंस और नजर आता है अपन, ये रेजिस्टेंस है, वो 120 से एग्जैक्ट 120 121 का जोन है। मैं एक बार लिख देता हूँ दोनों टारगेट्स को। तो जो पहला टारगेट होगा ये T1 होगा, आपका जो T1 होगा वो 95 से लेकर के 100 रुपीज़ की रेंज होगी, आपको इसी के बीच में पहला टारगेट आपको हिट करा लेना। और जो T2 होगा यानी कि टारगेट 2 होगा जो आपका, वो आपका बेसिकली होगा 120 से 121 की एक रेंज होगी, आपको वहीं पर आपको टारगेट हिट 2 भी हिट करा लेना। और यहाँ पर भी अगर होता है ऊपर कुछ जाता है, तब आप कुछ 5 से 10% केवल 5 से 10% इन्वेस्टेड अमाउंट का आप कंटिन्यू कर सकते हो ऊपर की रैली के लिए। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ही बढ़ता है। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडे साइड, सी या हैव अ गुड डे, थैंक यू।